भाई साहब, आज तो मजा आ जाएगा। एंजॉय द राइड टुडे। लोग गूगल मैप में सर्च करना, ये जगह कोर एरिया में आती है और अनएक्सप्लोर्ड है। शायद पहला यूट्यूबर हूँ मैं जो यहाँ पहुँचा हूँ। कश्यप थैंक यू, मज़ा आ गया यार। ताकि तो गाइज अभी हम लोग थोड़ा रुके, रेस्ट किए, वाटर ब्रेक लेते हैं। और ये देखो यहाँ पर कितनी प्यारी हट है एक जंगल में। यहाँ पर एक बाहर ना स्टोन भी लगा हुआ है बफर जोन का, जो डर लगता है रास्ता ना भटक जाए हम लोग, बिकॉज गूगल मैप चेक करते यार एक बार। बाप रे बाप, कितने पत्थर है गाइस, पूरे पत्थर। अरे बाप रे, रोड की क्या है, रोड है ही नहीं यहाँ पे तो। आ झूला झूला, वाह भाई। तो चलते हैं, स्टैंड निकाल लो, देख लो थोड़ा फोटोग्राफी हो गई। और यहाँ पे इंस्टाग्राम लाइव सोच रहा था कश्यप, बट नहीं हो पाया क्योंकि कवरेज नहीं है गाइस। देखो संभल के आना, इधर हेल्प मिलना भी मुश्किल है, और पंचर अगर हो गई ना तो वांदे हो जाएंगे। आना तो 10 लोग रहना, हम दोनों ने हिम्मत कर ली, बट मुश्किल है थोड़ा सा। और कई कई पे पैचेस बहुत ख़राब है, ये ठीक है, बट डर लगता है जब अगर गाड़ी को कुछ हो गया तो पड़े रहो यहीं पे फिर। हाँ बारिश में तो मुश्किल है, बट बारिश में अलग ही मज़ा आएगा कश्यप अगर आते हैं तो। चलो जय महाकाल, निकलो भैया, फूट लो यहाँ से। लोग मिलते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है जंगल में। ओ भाई साहब, नीचे उतरना है, नाला आने वाला है। देखो कितना बड़ा नाला आने वाला है, नदी है, नदी। हाँ यार बड़ी नदी है, पेंच की नदी तो नहीं है जो पेंच से निकलती है? पेंच में भी एक नदी है ना, पेंच रिवर ही होगी वो, मोगली लैंड। अभी बारिश में तो यह पूरा नाला भरा रहता होगा, बारिश में तो यहाँ अलग ही एडवेंचर होगा यार। अब चढ़ाई, आगे फॉरेस्ट वाले सर है शायद। चलो ये मिल गया तो हिम्मत आ जाएगी। हाँ सर नमस्ते। विश्राम गृह कितनी दूर सर? आगे लोकेशन सर, आगे वो सकाटा का सीधा जाना है। हाँ। ऐसा क्या? से पड़ेगा आपको 7 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, कोई डर है? सुबह डर रहता है, सब सुनने मिला, सर बता रहे थे। हाँ, अर्ली मॉर्निंग। हाँ। अच्छा आप ड्यूटी में हो इधर? अच्छा जी जी, आप चल रहे हो? हाँ जी सर, थैंक यू। कितनी छोटी हो गई रोड, कितनी छोटी हो गई एकदम संक। बाकी वो सर बहुत अच्छे थे, कुछ भी हो जाए यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता, मेरे को तो बहुत अच्छा लगते। मेरी ड्यूटी फॉरेस्ट में लग जाना चाहिए, मेरे को तो यही पसंद है। हाँ हाँ हाँ, ये कैसा रोड है, पूरी बारीक बारीक रेत है, गिरने का डर है, पसर गए तो कोई माई बाप नहीं है उठाने वाला। ओ भाई साहब, फिर पत्थर आ गए। कश्यप ये देखो, एनिमल्स को देखने का, ये देखो वन विभाग का, लेकिन टूट गया हो, एनिमल्स को देख सकते हैं, वाचिंग टावर। भागो भागो, शेर ने फाड़ दिया चलता है, बट अगर तुमने शेर को मारे तो रूल्स इतने कड़े हैं, लेने के देने पड़ जाएंगे लाइफ टाइम। पता है ना बहुत लोगों के केस कि शिकारियों ने मारे, बट शिकारी भाग जाते हैं, वो पकड़ में नहीं आते, लेकिन अगर वो पकड़ में आ जाते हैं ना गाइस तो बहुत कड़कड़ी सजा है इसमें। वाइल्ड एनिमल्स को अटैक नहीं कर सकते आप, दे आर रिजर्व्ड। हल्लू हल्लू चल लो भाई साहब, हल्लू हल्लू चल लो, रास्ता बड़ा डेंजर है, पूरा रेत है, फिसलन है। यहाँ डांबर होता ना गाइस तो अलग ही मज़ा होता है यार। इन फ्यूचर शायद बन जाए, बट पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा।
अभी रोड ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत गाड़ी के टायर पंचर ना हो, सबसे बड़ा डर वही रहता है गाइस। और मेरे पास पंचर किट नहीं है, अब क्या क्या खरीदूँ यार मैं, पैसा भी चाहिए। पूरा वाइट रोड तो पूरी वाइट है, मज़ा भी आ रहा है, ये बात भी है। कश्यप बोल रहा है डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, सही बात है। बाकी कश्यप बहुत हिम्मत वाला है, मानना पड़ेगा, ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। मतलब मेरी एज तक आने तक देखना ये कहाँ के कहाँ निकल जाएगा, ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। अब पूरा उतर रहे हम लोग नीचे, अब पता नहीं और एक नदी आएगी क्या। मतलब यार उम्मीद से ज़्यादा ही खतरनाक रास्ता है ये। बाकी मज़ा बहुत आ रहा है धूल उड़ाने में, और गाड़ी एडवेंचर वाली फीलिंग आ रही है पूरी। कितने पत्थर है गाइस, पूरे पत्थर। और ये बाप रे, रोड की क्या है, रोड है ही नहीं यहाँ पे तो। इधर और जंगल में कई रास्ता जा रहा है, यानी इंसान भटक जाए रात को, तो कभी रात को तो इधर से आ ही नहीं सकते। कश्यप कहाँ ला लिए, मौत के मुंह में। बाप रे बाप, पूरे पत्थर है, रोड ही नहीं है। गाइस कितना डर है देखो पंचर होने का, पूरे पत्थर, रोड ही नहीं है, है ना खतरनाक जगह। जस्ट इमेजिन गाइस, यहाँ जल्दी निकलो अच्छा यहाँ से। ओ भाई साहब, एडवेंचर का बाप है ये तो। ओह डर लगता है रास्ता ना भटक जाए हम लोग, बिकॉज गूगल मैप चेक करते हैं यार एक बार। क्योंकि गाइस बिछड़ा जो मेन लोकेशन है उससे हम भटक भी सकते हैं। अब लग रहा है ऐसा कि रास्ता हम सही जा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। कश्यप रास्ता तो नहीं भटक गए, क्योंकि रास्ता अंदर और एक निकल रहा है। बाप रे गाड़ी तो पत्थरों पर गोल 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 घूम रही है। देखो क्या लिखा है गाइस, 25 किलोमीटर कुरई रुखड़ चंदरपुर सकाटा सकाटा कुड़वा सरेखा। इधर तो खेत आ गए, अपन बाहर आ गए क्या जंगल के। काम ठीक, अपने को गूगल मैप पे चेक करना पड़ेगा, कोई है क्या वहाँ पे। देखो वो हट में, गूगल मैप पे चेक करो जल्दी, लगाओ लोकेशन। ये देखो ये कहाँ जा रहा है पता नहीं यार, ये कुरई बता रहा है एक। मतलब हम सकाटा में ही हैं अभी, लेकिन हम कहाँ हैं वो नहीं पता। वी आर लॉस्ट। देखो भाई एक रास्ता इधर कट रहा था, तुमको याद है अभी कौन सी जगह बताए थे, कहाँ गए थे तुम लोग। रुक, विश्राम गुरु है कि क्या है जगह, जगह अपन ने फॉरेस्ट वाले सर से पूछे भी नहीं क्या थी वो जगह। मतलब विश्राम गुरु है क्या है, रेस्ट हाउस। हाँ हाँ गूगल पकड़ेगा कि नहीं। सीन तो अच्छा लग रहा है, सीन तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये सब बेकार लगेगा अगर लोग भटक गए होंगे तो। सर भी नहीं है ना इधर, ऑफलाइन नेट। अरे यार अपन ने ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड करना था। वापस कहाँ बोल रहा है, पूरा कोड बता रहा है तो। कटंगी से सकाटा डालो तो आ भी नहीं रहा है ना। अपन वो मेन रास्ते पे रहते हैं, लेकिन एक जगह रुकना भी डर है। कोई आ भी नहीं रहा है ना सर, कोई आपस पूछ लेते आएगा कोई ना कोई। लेकिन वो रास्ता तुमने नोटिस किया क्या, वो कहाँ जा रहा है देखे। अभी 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 मैंने बोला हाँ अपन सकाटा में। वन एवं वन प्राणियों की रक्षा कीजिए, फिलहाल में तो हमारी रक्षा करो भाई। कुड़वा बारा इधर इधर नैलेसरा जिधर से अपन आए,
कामठी आगे, सरेखा इधर, सकाटा, ये लोकेशन सकाटा ही है इसका मतलब। तो सर आगे हाँ चलो आगे चलते हैं, कुरई 23 इधर हाईवे है मतलब, कुरई वाला। ये पूरा कुरई का जंगल है ना ये, इधर ही आगे आगे चलते हैं। बट कोई आदमी मिला तो उसको रेस्ट हाउस का एड्रेस पूछ लो, नहीं तो फिर घर वापस चलो। क्योंकि भटक जाएंगे ना कश्यप, इधर रास्ते बहुत निकलते हैं अंदर और नेट चलता नहीं है, कोई मदद इनके लिए नहीं आएगा। टाइम देख क्या हुआ, जाने क्योंकि अपन 1 घंटे से कंटिन्यू चला रहे गाड़ी, इधर बहुत देर हो गई ना यार, और मैंने घर में बोला था 11-12 तक आ जाऊँगा। चलो रास्ते की हालत तो बहुत ख़राब है यार, आगे तो जंगल और लगेगा यार। आ गया, अच्छा ये रेस्ट हाउस, भाई साहब दिख ही नहीं रहता ये रेस्ट हाउस तो, अब बड़े मुश्किल से साइड हुआ है। तो गाइज फाइनली वी आर हियर सकाटा रेस्ट हाउस, पूरा एडवेंचर है गाइज, इधर पहुँचना ही बड़ा मुश्किल है। बाकी आप लोग, यहाँ गांव भी है शायद छोटा सा, यहाँ रह सकते हो, वन विश्राम गृह सकाटा परिसर अरी बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व। इसकी फ़ोटो भेजे थे मेरे को तुमने, याद है इसकी फ़ोटो भेजे थे, तो मस्त लग रहा है। हाँ फोटो ले लेना एक। फाइनली रिच वन विश्राम गृह सकाटा परिक्षेत्र अरी बफर जोन पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी मध्य प्रदेश, इसकी फ़ोटो भेजे थे तुमने व्हाट्सअप मेरे को, याद है। तो ये प्लान था हमारा और यहाँ पर पहुँच गए हम लोगों ने, कैंप फायर सोचे थे यहाँ पे। अब यहाँ तो मजा आएगा, बहुत ज़ोरदार जगह है, बट वही है हाँ ना, चाबी निकाल लेता हूँ गाड़ी की। हाँ इंजन की आवाज़ है मेरा इंजन आवाज़ करता है, सीटी मारता है। यहाँ गांव भी है छोटा सा, है ना, ये सकाटा गांव होगा, ये इंजन आवाज़ करता है ना, वो कुछ गर्म हो जाता होगा, हीट हो गया होगा, हीट हो गया है क्या, हीटिंग इशू लगाना पड़ेगा, बहुत आवाज कर रही है गाड़ी की हालत ख़राब कर दी अपन ने आज। ओहो क्या शानदार है यार, बहुत जोरदार। तो गाइज यहाँ पर आप लोग स्टे कर सकते हो, छुट्टियों में आ सकते हो, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह सकते हो। ये पेंच टाइगर रिजर्व का कोर एरिया में एक बसा हुआ, हाँ आम के पेड़ भी है। सिवनी 57 किलोमीटर है यहाँ से, बालाघाट 73, छिंदवाड़ा 127, जबलपुर 201, तो आप लोग आ सकते हो। देखो धर्मकुआ सबसे नज़दीक हमारा एरिया, सकाटा से विभिन्न स्थानों की दूरियाँ, ये सागौन का पेड़। हाँ चलो एक वॉक अराउंड करते हैं ना। हाँ ये रेस्ट हाउस में रुके थे तुम लोग? नहीं सर, मैं तो पहली बार आ रहा, पापा लोग आए थे। नहीं तुम एक बार बोले ना, मैं फोर व्हीलर से आया था, हम लोग गांव में गए थे। अच्छा तो अभी पता नहीं है जगह खाली है कि नहीं, क्या है सीन, भोजन कक्ष लिखा है। तुमको पता है कि इंचार्ज वगैरह कौन है, जानते हो? नहीं सर, क्या कहाँ है मैनेजर साहब, कहाँ है? सर नमस्ते। शादी वाला भी आया कि नहीं, क्या मालूम, कोई मैसेज रहेगा तो। नमस्ते सर, ये प्राइवेट है कि पब्लिक, मतलब रुक सकते हैं विश्राम गृह? हाँ रुक तो सकते हैं। अच्छा अच्छा फॉरेस्ट आपके अंडर में, ऐसा क्या? कहाँ से आया सर? वैसे हम कटंगी से आए, घूमते घूमते आ गए अंदर, सर लोग मिले थे थोड़े फॉरेस्ट वाले। हाँ। चले जाओ बोले, देख के आ जाओ लोकेशन, रुकने का प्लान रहेगा तो बताएंगे 31 को, अभी न्यू ईयर आएगा तो। कोई पक्का नहीं, पहले से बुकिंग है। ऐसा क्या, ऑनलाइन? ऑनलाइन बुकिंग है। अच्छा पेंच साइट से। आपकी ड्यूटी यहाँ सर सकाटा में? हाँ। आप अच्छा, ये वन विभाग में?
यहाँ से कुछ नहीं होगा, मतलब पहले ऑनलाइन फिर स्टे कर सकेंगे। यहाँ पर कवरेज भी नहीं है ना सर, नेटवर्क नहीं मिलता ना यहाँ। क्या चार्जेस है वैसे? 1500 दो लोगों का, एक रूम का, दो तीन लोग रह सकते हो सर। और भोजन सर बन अलग से? अच्छा, वो कैसा रेट है उसका? चाय का अलग है, नाश्ता का अलग है, खाने का अलग है जी। अच्छा, वो बता देंगे। खुद बना सकते हैं कहीं आसपास? नहीं, थोड़ा बैठते गार्डन में। अरे वाह, झूला झूला, वाह भाई, अरे बाप रे, मज़ा आ गया। और लेकिन रास्ता इतना खतरनाक है भाई साहब, मतलब अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है ना, ख़राब रास्ते से नहीं आ सकते। ये क्या तेंदू लिखा है? मैंने बोला तेंदुआ। लाइव इंस्टाग्राम लाइव, नाइस गाइस, वीडियो आएगी जल्दी चैनल पर, देखना आएगा। हाँ यार, अभी उठते ही नहीं, तो थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। चलो इसको बंद करते हैं ना, चलो वहाँ बैठते हैं ना कश्यप, थोड़ा सा गार्डन में उधर आगे बैठने की जगह है, वहाँ ब्लॉगिंग सेटअप निकालते हैं, अपना चेहरा वगैरह दिखाते हैं लोगों को, खुशी दिखाते हैं अपनी। मास्क निकाल लेते जंगल में ही, कोई डर नहीं है। मैं भी कोविड पॉजिटिव नहीं हूँ, ये भी नहीं है, कोई डर नहीं है, इधर कोई नहीं है। वाह 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 वाह, देखो पूरा नेचुरल फील देख रहे हो। ऐसा बोलो पापा को बनाने अपने फार्म हाउस में, अपने को पेंच आना ही नहीं है फिर। ये ऐसा छोटा सा हट बनाओ, देखो गाइस कितनी अच्छी पार्टियाँ हो सकती है, और पार्टियाँ होती भी है। देखो तो सर लोगों ने हमको आने दिए, कुछ बोले नहीं, बढ़िया देख रहे हैं हम लोग, एक्सप्लोर कर रहे हैं थोड़ा सा। बाकी रुकेंगे हम लोग यहाँ पे, देखते हैं अब कब प्लान होता है। बाकी आप लोगों को चलना है क्या बताइएगा, आना है क्या हम लोगों के साथ? ये हट में हूँ मैं, गार्डन में, देखो सब बैठ सकते हैं यहाँ पे, संगीत हो सकता है, गीत संगीत यहाँ पे, बढ़िया कैंप फायर हो सकता है, आप लोग फायर बोन फायर लगा सकते हो, यू कैन एंजॉय विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। पूरा हट है ये,